नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। संकल्प में विकल्प नहीं होता, और जिसमें विकल्प होता है वह संकल्प नहीं होता। और इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया एक अभियान अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि अगर संकल्प लिया जाए, लक्ष्य साधा जाए और उस दिशा में आगे कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले जरारू धाम की, जहां अब विशाल वन दिखलाई देता है। कभी बंजर थी यह भूमि और अब यहां पर बड़े बड़े वृक्ष लहलहा रहे हैं। वर्ष 2017 में दमोह के तत्कालीन सांसद भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक संकल्प लिया, सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौ वंश को संरक्षण देने का, संवर्धन करने का एक संकल्प था कि हम इस बंजर भूमि में वृक्षों को लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और ये वन में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए प्रयास उन्होंने किया। आज हजारों वृक्ष यहां पर दिखलाते हैं, लहलहा रहे हैं। और इस वर्ष भी एक संकल्प लिया है 10,000 पौधों को रोपित करने का। यहां पर एक अलग तरीके से पौधों को रोपित किया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है, संवर्धन किया जाता है ड्रिप सिस्टम के माध्यम से, जल की कोई कमी ना रहे और एक एक पौधे को की देखरेख की जाती है। हम आपको जानकारी दे दें कि ये पहला क्षेत्र होगा जहां जितने वृक्ष लगाए गए वह सभी के सभी जीवित हैं, और जीवित ही नहीं हैं, अब वह विशाल वृक्षों में परिवर्तित हो गए हैं। दमोह के अंतर्गत आने वाला यह जरारू धाम की जो देखरेख कर रहे हैं यहां के समिति के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बजाज से हमने इस वर्ष की योजना पर चर्चा की। जरारू धाम में लगातार पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य चल रहा है, किस प्रकार की योजना है इस बार? माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल के मार्गदर्शन निर्देशन में जरारू धाम दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति कर रहा है। जैसा कि आपको जानकारी में है कि सर्वप्रथम यहाँ जब माननीय ने 16-17 में इसको अपने संरक्षण में लिया था तो मात्र 2 पौधे थे और दो पेड़ थे बड़े, जो आज की तारीख में धीरे धीरे वृक्षारोपण करके हम लोग हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है वो पूर्णतः संरक्षित है और धीरे धीरे पौधे आज पेड़ का रूप ले रहे हैं। साथ ही एक और बड़ी बात है कि हम लोग वहाँ एक नर्सरी भी डेवलप कर रहे हैं जहाँ हजारों की संख्या में पौधे हम लोग तैयार कर रहे हैं, और पौधे हम लोग इस तरह के कर रहे हैं जो कि फलदार हो या जिसमें आयुर्वेदिक भी हम कह सकते हैं कि उसकी फल उस तरह के हों जिसमें उसका उपयोग कर सके। इस तरह से इस वर्ष हमने 10,000 पौधों को वृक्षारोपित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों की सारी तैयारी हो चुकी है, गड्ढे हमारे हो चुके हैं और उसमें जो पर्याप्त जो उसमें और सामग्री लगना है उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। और 10,000 वृक्षों को सिर्फ लगाना नहीं, हमें संरक्षित करना है, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि वृक्षारोपण तो हो जाता है लेकिन उनके संरक्षित करने में बढ़ाने में सबसे बड़ी मेहनत लगती है और वही हमारा इस वर्ष का काम होगा। किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है इन वृक्षों को? क्योंकि जरारू धाम में पहले पहाड़ और पत्थर ही पत्थर थे तो वहाँ ये वृक्षों को लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। धीरे धीरे हमने वहाँ वृक्षों के पौधों को लगाने के लिए मिट्टी लाए हैं, वहाँ मिट्टी फैलाई है, लगाई है, उपयोग में की है, और वृक्षों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने वहाँ सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया है। हजारों मीटर हमने एक लाइन बिछाई हुई है, ड्रिप के माध्यम से हम उनमें पानी देते हैं ताकि वृक्षों को वहाँ साल भर पानी मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस है, आपका क्या संदेश होगा आम जनमानस के लिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी निरंतर दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आज हमारे दमोह शहर में इतने वर्षों बाद 47 डिग्री का भी टेम्परेचर आया है, तो ये निरंतर बढ़ेगा। हम अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ये मान के चलिए कि जैसे कि आज हमें समाचार मिला है कि नागपुर में आज 57 डिग्री का टेम्परेचर था,
हमारे यहाँ भी आएगा, ये बड़ी बात नहीं है। फिर क्या स्थिति होगी आप भी समझ सकते हैं। तो अगर आज आपको कल संरक्षित करना है तो आज आपको भारी संख्या में वृक्ष लगाने पड़ेंगे, और उस वृक्षों के माध्यम से ही हम अपने यहाँ का तापमान कम कर सकते हैं और अपने आप को और आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। हजारों वृक्ष के संरक्षण और संवर्धन के बाद अब 10,000 वृक्ष इस बार रोपित किए जाएंगे, यानी 10,000 पौधे फिर से रोपित किए जाएंगे, और फिर एक बड़ा भाग फिर लहराएगा वनों से, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलेगी लोगों को। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेकर मैदान में यह समिति लगी हुई है। कौवा अभ्यारण्य की जो समिति है वह लगातार कार्य कर रही है और मार्गदर्शन लगातार मिलता है दमोह के पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का। We'll be right back.